Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulam-e-Abbas School. Today we are here with another video lecture on these SLOs that are 1621, 1631 and 1641 from our chapter number 16, Introductory Electronics. आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और न्यू डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन गन किस तरह से वर्क करती है, उसके कुछ यूजेस देखेंगे कि डेली लाइफ के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गन कहाँ पर यूज होती है. साथ साथ दो प्रॉपर्टीज है लाइक डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम इलेक्ट्रॉन गन के साथ उसमें से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रॉन बीम के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन गन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गन मींस इट इज अ डिवाइस दैट एमिट्स इलेक्ट्रॉन. ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है और इलेक्ट्रॉन को भी एमिट कुछ इस तरह से करती है कि इट एमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन बीम. वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक स्ट्रेट बीम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है. देन फर्दर इन बीम्स का क्या काम होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन गन है वो हमारे पास हमारी टीवी स्क्रीन्स के अंदर यूज होती है. दिस इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड इन आवर मॉनिटर स्क्रीन्स और यही इलेक्ट्रॉन गन यूज होती है हमारी ऑस्किलोस्कोप के अंदर. सो ये कुछ बेसिक वो थे हमारे यूजेस थे इलेक्ट्रॉन गन के. इसका काम हमने ये देखा कि इस इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन बीम. एक फाइन बीम के अंदर इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है डिवाइस और इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि इसका काम इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक प्रोसेस सीखा था. उस प्रोसेस के अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड बाय द थर्मल एक्साइटेशन ऑफ मेटल. जब हम एक मेटल को एक्साइट करते हैं थर्मली तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे और उस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को वी कॉल दिस प्रोसेस एज थर्मियोनिक एमिशन. सो दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन गन के अंदर भी जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है इट विल बी अगेन थर्मियोनिक एमिशन. सो ये हमारी कुछ बेसिक वर्किंग डायग्राम है एक इलेक्ट्रॉन गन की, जिसमें हमने यहाँ पर जो है वो एक सिंपल पोटेंशियल अप्लाई किया है. ये हमारे पास जो है वो हमारा फिलामेंट है जिसके अंदर ये हमने एक फिलामेंट को जो है वो पोटेंशियल अप्लाई किया है विद अ फ्यू वोल्ट्स, जबकि यहाँ हमारे पास एक पावर सप्लाई है जो कि बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल की है. सो दिस इज एट लो पोटेंशियल और इसको हम जो है वो फ्यू वोल्ट्स देके जो है वो इस फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं और यहाँ जो हमारे पास एक पावर सप्लाई लगी है इट इज हाई पोटेंशियल पावर सप्लाई. इसका जो पोटेंशियल है वो हाई होता है. सो अब अगर हम उसी प्रोसेस को देखें जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था उसी को कंटिन्यू करें, सो उसी प्रोसेस को हम यहाँ अप्लाई करते हैं. सो ये हमारे पास एक फिलामेंट वायर मौजूद है जिसके ऊपर हमने फ्यू वोल्ट्स का पोटेंशियल अप्लाई किया अराउंड 5 वोल्ट और 6 वोल्ट्स. So, उस 5 वोल्ट 6 वोल्ट से क्या होगा, दिस फिलामेंट विल इलेक्ट्रिकली हीट अप. ये जो फिलामेंट है हमारा वो इलेक्ट्रिकली हीट अप हो जाएगा. हीट अप होने से द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस फिलामेंट विल गेट इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब दैट थर्मल एनर्जी एंड एमिट फ्रॉम दिस मेटल सर्फेस. ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मेटल के सर्फेस में से एमिट हो जाएंगे बाय एब्जॉर्बिंग द थर्मल एनर्जी. सो ये वो तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि थर्मियोनिक एमिशन के प्रोसेस के थ्रू इस फिलामेंट में से रिलीज हो गए. अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे सराउंडिंग के अंदर या इस फिलामेंट के मेटल में से बाहर आ गए, अब वो अपनी थर्मल एनर्जी लूज करके दोबारा से जो है वो अपने इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं. सो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो हमने हाई पोटेंशियल अप्लाई किया था, इस हाई पोटेंशियल के अप्लाई करने से ये जो एनोड है हमारे पास जिसे हम एक्सेलरेटिंग एनोड कहते हैं, इस एक्सेलरेटिंग एनोड के दो फंक्शन है, दो काम है. पहला काम क्या है, वी नो दैट एनोड मींस पॉजिटिव. सो ये जो एक्सेलरेटिंग एनोड है वो क्या करेगा, और ये एक्सेलरेटिंग एनोड जो है वो हाई पोटेंशियल की वजह से क्रिएट हुआ है. सो यहाँ बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल क्रिएट करने का पर्पस ही है ये, ताकि यहाँ जो थर्मियोनिक एमिशन में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं
उन इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेलरेटिंग एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद वेरी हाई स्पीड। सो ये तमाम एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सेलरेटिंग एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे विद वेरी हाई स्पीड, और देन क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस फाइन होल्स में से होल के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे या होल की तरफ मूव करे होंगे, दे विल बी एबल टू एस्केप और एमिट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन गन। वो इलेक्ट्रॉन जो कि इस एनोड के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे एनोड को, जबकि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेटिंग एनोड में से पास हो सकेंगे जो कि यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में इस होल की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो थर्मियोनिक एमिशन में प्रोसेस होने के बाद स्कैटर्ड हो रहे थे, अब स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं निकलेंगे, बट दे विल एमिट इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन इलेक्ट्रॉन बीम। सो जैसे मैंने अभी बताया कि इस हाई पोटेंशियल अप्लाई करने का या एक्सेलरेटिंग एनोड के दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या था कि एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा हाई स्पीड से एक्सेलरेट करवाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। एंड द सेकंड फंक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेटिंग एनोड इज टू एमिट द इलेक्ट्रॉन इनटू अ फाइन बीम। इन इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर्ड फॉर्म में एमिट नहीं होने देता ये एनोड, ये सिर्फ और सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स को एक फाइन बीम के अंदर जो है वो एमिट करवाता है। और ये जो पूरा हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसमें एक लो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया फिलामेंट के साथ, एक हाई पोटेंशियल अप्लाई किया एक्सेलरेटिंग एनोड के साथ, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो थर्मियोनिक एमिशन हो रहा है। इस पूरे एपरेटस को जो है हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन बीम को एमिट करना। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप को जो है वो हम एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो परफॉर्म करते हैं, ताकि बाहर की बैकग्राउंड की डिस्टरबेंस की वजह से इन इलेक्ट्रॉन बीम्स के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। सो यहां तक हमने देखा हमारे इलेक्ट्रॉन गन का सिंपल कंस्ट्रक्शन और वो किस तरह से वर्क करती है। साथ साथ मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर इसके यूजेस बताए कि इलेक्ट्रॉन गन इज मोस्टली यूज्ड इन टीवी स्क्रीन्स, मॉनिटर स्क्रीन्स एंड ऑस्किलोस्कोप। ऑस्किलोस्कोप के अंदर और टीवी स्क्रीन और मॉनिटर की स्क्रीन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गन यूज होती है। इसका बेसिक फंक्शन मैंने बताया कि इसका बेसिक फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन की बीम को जो है वो एक फाइन बीम की फॉर्म के अंदर एमिट करना। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन बीम की दो प्रॉपर्टीज हमें मेंशन की गई हैं कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लेट सपोज जो यहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही है, वी नो दैट दिस बीम इज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बीम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन बीम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से या मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो क्या होगा। यहां हम इलेक्ट्रॉन बीम को पास करा रहे हैं फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, सो हमने जो है वो मैग्नेटिक पोल्स प्लेस कर दिए, एंड वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी। अब एक चार्ज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रही है, तो ये बात याद रखिएगा, व्हेन एवर अ चार्ज पार्टिकल इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड तो वो स्ट्रेट पास नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बेंड। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि जब भी एक चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में से परपेंडिकुलरली पास हो तो वो स्ट्रेट लाइन में पास नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, या जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो बिल्कुल इसी तरह से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस मैग्नेटिक फील्ड में से स्ट्रेट पास नहीं हो पाएगी, बल्कि बेंड हो जाएगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। देयर इज ओनली वन केस व्हेन अ चार्ज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड और वो स्ट्रेट पास हो जाए, उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे या उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क ना आए। वो सिर्फ एक कंडीशन है, व्हेन अ चार्ज इज
moving parallel to the magnetic field or opposite to the direction of magnetic field. Agar beam of electron is direction mein move kar rahi hai ya beam of electron is direction mein move kar rahi hai to in dono case ke andar jo hai wo is case mein aur is case mein dono cases mein charge beam ke upar ki direction pe koi fark nahi padega. When a charged particle is moving perpendicularly to the from the magnetic field, it will always deflect in the direction of force. जब ये perpendicularly move कर रही होगी charge beam, किसी भी particle की charge beam हो, magnetic field से अगर perpendicularly move कर रही है, तो it will experience a force जिसकी वजह से उसकी direction जो है वो deflect हो जाएगी. Similarly, we have electric field between two opposite electrodes, जिसमें एक positive electrode है और next one is the negative electrode. So the direction of electric field is from positive terminal to the negative terminal. तो positive इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो हमारी बीम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई. एंड हियर वी हैव आवर इलेक्ट्रॉन बीम. अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम परपेंडिकुलरली पास हो रही है इनटू द फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अगेन अ चार्ज पार्टिकल कैन नेवर मूव इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. अगर एक चार्ज पार्टिकल एक चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रही है तो वो अनडिफ्लेक्टेड पास नहीं होती बल्कि वो डिफ्लेक्ट हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो सिमिलरली दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन बीम की हम बात करें, दिस बीम इज नेगेटिवली चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होते हुए इट विल बेंड इन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. और मैग्नेटिक फील्ड में से भी पास होते हुए दिस बीम विल डिफ्लेक्ट इन टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स की हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर बात की. उसी डायरेक्शन के रूल के मुताबिक जो हम यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करके उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं. सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ अ क्लास, जिसमें हमने न्यू डिवाइस पढ़ी इलेक्ट्रॉन गन, उसके बेसिक यूजेस देखे कि डेली लाइफ में वो कहाँ पर यूज होती है. देन वी स्टडीड द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दैट हाउ दिस इलेक्ट्रॉन गन वर्क्स, और उसकी कंस्ट्रक्शन देखी और साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन बीम इस इलेक्ट्रॉन गन में से एमिट हो रही है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है व्हेन इट पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज इट फॉर टुडेस क्लास. इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद सम अदर टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. टिल देन दिस इज मोहम्मद अली राणा टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस क्लास. अल्लाह हाफिज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू